दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं फ्रेंड्स बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है यह। यदि आप अपने मोबाइल से डॉक्यूमेंट्स स्कैन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कराने के लिए यदि हम मार्केट में किसी शॉप पर जाते हैं तो बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मोबाइल से घर पर ही अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो हाई क्वालिटी में स्कैन कर सकते हैं और अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए जान लेते हैं कि हम अपने मोबाइल से डॉक्यूमेंट्स कैसे स्कैन कर सकते हैं हाई क्वालिटी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं हेल्प की दुनिया। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों किसी भी फोटो या डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना है फ़ोटो स्कैन। तो इस प्रकार से फ़ोटो स्कैन जब आप टाइप कर देंगे और सर्च कर देंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन आ जाएगा ये वाला। यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को देख सकते हैं, फ़ोटो स्कैन बाई गूगल फ़ोटोज़। यह फ्रेंड्स गूगल का एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, स्कैनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करता है यह, बिल्कुल हाई क्वालिटी में। तो फ्रेंड्स आपको इस एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है। तो चलिए मैं ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। ओपन पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपको स्कैनिंग कैसे करना है यहाँ पर आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको जो है वो स्कैनिंग करना है। तो फ्रेंड्स इसे आप ध्यान से देख लें। तो फ्रेंड्स इसे देखने के बाद हमारे सामने देखिए अभी स्कैनिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम स्कैनिंग पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं नीचे स्टार्ट स्कैनिंग का ऑप्शन आ चुका है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर हमें परमिशन देनी होती है, तो यहां पर हम अलाउ पर क्लिक कर देंगे। एक बार फिर से अलाउ पर क्लिक कर देंगे और फ्रेंड्स अब हमारा स्कैनिंग कैमरा हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास अभी दो कागज़ जो हैं वो मौजूद हैं, इन दोनों की यहाँ पर मैं स्कैनिंग करके अभी आपको दिखाऊँगा। तो पहले चलिए हम एयरटेल 4G सिम का ये रैपर है, मैं इसे जो है वो स्कैन करके आपको दिखाता हूँ कि स्कैन आपको वो कैसे करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के कैमरे को इस प्रकार से सेट कर लेना है डॉक्यूमेंट्स पर। यहां पर आप देख सकते हैं पास में आपको सेट कर लेना है, आपका डॉक्यूमेंट्स कटे नहीं, चारों ओर देख लेना है आपको। और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्कैनिंग का, ये बीच वाला बटन, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फ्लैश भी जल रहा है, आप चाहें तो फ्लैश को ऑफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्किल आ जाता है बीच में, उसके चारों ओर चार डॉट्स भी आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं फ्लैश बंद कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैंने फ्लैश बंद कर दिया है, फिर से मैं यहाँ पर स्कैनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। आप देखिए यहाँ पर सर्किल आ गया है, सर्किल आने के बाद चार डॉट्स भी आ चुके हैं। अब इन डॉट्स को हमें सर्किल से मिलाना है इस तरह से मोबाइल को मूव करके, जिस तरह से अभी इंस्ट्रक्शंस में बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो डॉट्स मिला लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर आना है। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर जाना है, देखिए इस प्रकार से अब हमारी स्कैनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अभी यहाँ पर हमारी स्कैनिंग दिख जाएगी, तो देखिए हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी में हमारी स्कैनिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंटर से भी अच्छी स्कैनिंग यहाँ पर होती है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको एक कागज़ और जो है वो स्कैन करके दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स स्कैनिंग के बाद नीचे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन भी मिल जाते हैं स्कैनिंग को रोटेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, और डिलीट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ और एक कागज़ आपको और स्कैन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट्स को हमने इस प्रकार से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद हमें फिर से यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अभी हमारे सामने जो है वो सर्किल और डॉट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डॉट्स आ चुके हैं, चलिए हम इन्हें मिला लेते हैं। इस प्रकार से हमें मोबाइल को जो है वो मूव करना है, उसके बाद सभी डॉट्स को जो है वो हमें इस प्रकार से मोबाइल को मूव करते हुए मिला लेना है। फ्रेंड्स अभी आप देखेंगे यह स्कैनिंग भी हमारे सामने बिल्कुल क्लियरली तरीके से आ जाएगी। देखिए नीचे आ चुकी है, मैं उस पर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद फ्रेंड्स
यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं रोटेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया क्योंकि हमारे मोबाइल के मूवमेंट के हिसाब से कभी कभी जो है वो हो जाता है ऐसा। तो चलिए हम यहाँ पर रोटेट कर देते हैं इसे। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर स्कैनिंग होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से, चाहे आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, या फिर आपके पढ़ाई के कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, आप बड़ी ही आसानी से स्कैनिंग कर सकते हैं हाई क्वालिटी में और अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो जानकारी आपको बताई गई है वो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।